रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होपफुली ऑल विल बी फाइन। हियर इज़ योर एसएस टीचर मिस सबा कामरान। डियर स्टूडेंट्स, यू विल ओपन बुक पेज 91 एंड वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 18 एंड वी हैव टू लर्न अबाउट द प्रॉब्लम्स विच पाकिस्तान वाज फेसिंग आफ्टर इंडिपेंडेंस। पाकिस्तान वॉज नॉट अ रिच कंट्री। पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं था। देयर वर ह्यूज एरियाज ऑफ बैरन डेजर्ट्स एंड हाई माउंटेन्स एंड ओनली 1/3 ऑफ द लैंड वॉज कल्टिवेटेड। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वहाँ बंजर सहरा और ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं और सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन का एक तीसरा हिस्सा जो है वो काश्त के काबिल था। ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वर ओवर 1600 किलोमीटर्स अपार्ट एंड देयर वॉज नो कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन दैम। मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक दूसरे से 1600 किलोमीटर दूर थे और उन दोनों के दरमियान कोई भी नेटवर्क कम्युनिकेशन नहीं था। देयर वॉज वाइड स्प्रेड करप्शन एंड फ्रॉड और वसी पैमाने पर यहाँ करप्शन और फ्रॉड फैला हुआ था एज ऑफिशियल्स पॉलिटिशियंस एंड अदर फॉर टू मेक देयर प्राइवेट फॉर्चून्स। जैसा कि सरकारी अफसरान, सियासतदान और दूसरे लोग सिर्फ अपनी किस्मत बनाने के लिए आपस में लड़ रहे थे। थ्रू आउट द 1950s के अशरे के दौरान देयर वर पोलिटिकल क्वल्स एंड कॉन्स्टेंट चेंजेस इन मिनिस्ट्रीज। सियासी जो है जंगें जारी रही और मिनिस्ट्रीज़ में वजारतों में मुस्तकिल तब्दीलियाँ होती रहीं, पार्टिकुलरली हसूसन इन वेस्ट पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान में। इट वॉज नॉट अनटिल मार्शल लॉ वॉज इम्पोज 1958, यहाँ तक के जो है मार्शल लॉ 1958 में नाफज कर दिया गया एंड दैट सम फॉर्म ऑफ स्टेबिलिटी वॉज अचीव्ड। और तब कहीं जाकर कुछ थोड़ा सियासी इस्तेहकाम जो है वो नसीब हुआ या हासिल कर लिया गया। अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर प्रॉब्लम्स द यंग पाकिस्तान हैड देयर डिसएडवांटेजेस एज वेल। इन तमाम बड़े मसाइल के साथ साथ द यंग पाकिस्तान हैड अदर डिसएडवांटेजेस आल्सो। नौजायदा पाकिस्तान को दूसरे डिसएडवांटेजेस भी बहुत ज़्यादा थे। इट हैड वेरी फ्यू ऑफ द नेसेसिटीज़ टू रन अ कंट्री। उसके पास जो है एक मुल्क को चलाने के लिए बहुत कम ज़रूरत की अशिया थी। लैकिंग इवन सच बेसिक आइटम्स एज टाइपराइटर्स एंड ऑफिस स्पेस एंड एक्विपमेंट्स और हत्ता के बुनियादी आइटम्स की, बुनियादी चीज़ों की बहुत ज़्यादा कमी थी, जैसा कि टाइपराइटर्स, ऑफिस स्पेस, दफ्तरों के लिए जगह और दफ्तरी साजो सामान। फोर ऑफ द मेन रिवर्स विच फेड द इंडस, दरियाए सिंध में गिरने वाले चार अहम दरिया ऑन विच पाकिस्तान वाज कम्प्लीटली डिपेंडेंट फॉर मोस्ट ऑफ इट्स एग्रीकल्चर, जिन पर पाकिस्तान की ज़रात जो है मुकम्मल इन्हसार करती थी, रोज़ इन इंडियन टेरिटरी इंडियन इलाकों में से निकलते थे। इंडिया कुड कट ऑफ द विटल पावर सप्लाईज, इंडिया जो है वो उनकी पानियों का अहम हिस्सा जो है वो रोक सकता था। एंड इंडीड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 1948 और उसने अप्रैल 1948 में ऐसा किया भी। इन 1960 एन अरेंजमेंट वॉज इवेंचुअली रीच्ड थ्रू द वर्ल्ड बैंक फॉर ईच कंट्री टू हैव द वाटर ऑफ थ्री ट्रिब्यूटरीज ऑफ द ग्रेट इंडस रिवर। और 1960 में एक माहदे के तहत जो कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू हुआ कि हर मुल्क को दरिया सिंध में गिरने वाले तीन बड़े दरियाओं के पानी पर मुकम्मल एहतियार हासिल होगा। बट फ्राम दीज डेस्परेट अर्ली ईयर्स, लेकिन इन तमाम मायूस कुन इब्तदाई सालों में, थ्रू मैनी पोलिटिकल अपहीवल्स वॉज विद इंडिया, इंडिया के साथ कई जो है वो रस्ते हुए ज़ख्म हमारे थे और कहीं जंगें हुई एंड विद फ्यू ऑफ द मिनरल्स रिसोर्स ऑफ सम ऑफ इट्स मोर फॉर्चुनेट नेबर्स पाकिस्तान एज अ कंट्री थ्रू वेरियस क्राइसिस, वॉर्स एंड नेचुरल डिज़ास्टर्स ओवर द ईयर हैज़ फॉर टू बिल्ड अ रीजनेबल स्टेबिलिटी। और विद अ फ्यू ऑफ द मिनरल रिसोर्स, बहुत कम मादनियाती रिसोर्स के साथ, ऑफ सम ऑफ इट्स मोर फॉर्चुनेट नेबर्स
जिसमें से कुछ इनके बहुत खुशकिस्मत हमसाए के पास थे। पाकिस्तान एज अ कंट्री थ्रू वेरियस क्राइसिस वॉर्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स ओवर द ईयर, पाकिस्तान जो है एक ऐसा मुल्क था जो कई बहरानों, जंगों और कुदरती जो है वो तबाहियों से गुजरा, हैज़ फॉर टू बिल्ड अप रीज़नेबल स्टेबिलिटी, और वो एक मुनासिब इस्तेहकाम हासिल करने के लिए कई साल तक लड़ता रहा। द स्पिरिट ऑफ इट्स पीपल हैज़ बीन अ मेजर सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टूवर्ड्स इट्स डिवेलपमेंट, और इसके लोगों की जो है स्पिरिट जो है उनका जज्बा जो है वो तरक्की की तरफ जाने का इसका एक वाहिद ज़रिया और इसकी एक वाहिद एक मजबूती था। ठीक है, हमने इस चैप्टर में जो है पाकिस्तान को अपनी आज़ादी के फौरन बाद पेश आने वाले मसाइल का तज़िया किया है कि कैसे आज़ादी के फौरन बाद कायद अज़म ने इसकी इस्तेहकाम के लिए दिन रात काम किया। चूंकि इंडिया एक बड़ा मुल्क था और अंग्रेज़ों की फेवर इंडिया को हासिल थी, इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान को उसके फौजी, उसके माशी, उसके जो है तमाम वसाइल में हिस्सा देने में डंडी मारी और पाकिस्तान को उसके हिस्से की जो है चीज़ें या मतलूबा रकूम बिल्कुल भी फ्राहम नहीं की गई, ताकि उनका इरादा यही था। हिंदू ये कहते थे कि पाकिस्तान एक बहुत कमज़ोर और नौजायदा रियासत है, ये चंद साल भी नहीं चल पाएगी और दोबारा पाकिस्तान हिंदुस्तान में ज़म हो जाएगा, और हिंदू लीडरों ने इसे अखंड भारत का नाम दिया कि भारत दोबारा जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन इन तमाम मसाइल के बावजूद, इन तमाम सियासी जो है अदम इस्तेहकाम, कुदरती जो है वो तबाहियां, बर्बादियां आती गईं, इसके अलावा बहुत से दूसरे माशी मसाइल का पाकिस्तान को सामना था, पाकिस्तान के पास कोई जो है तरक्याती और ज़राए नहीं थे, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की बुरी तरह से नए सिरे से शुरू करने वाला शोबा था, और इंतज़ामी अमूर के लिए भी बहुत ज़्यादा अमला जो है वो मौजूद नहीं था। इसके बावजूद पाकिस्तानी आवाम ने जोश व जज्बे के साथ जो है इस मुल्क को जो है चलाए रखा, और ये मुल्क आज तक हमारे पास मौजूद है, और हमें चाहिए कि अब हम जो है जो हो चुका सो हो चुका, मगर अब हम होश के नाखून लेते हुए अपने मुल्क की तरक्की और बेहतरी और इस्तेहकाम के लिए ईमानदारी से काम करें। अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा शादो आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।